उत्तराखंड पुलिस यातायात के नियमों को लेकर लगातार सख्त होती नजर आ रही है। जहां एक ओर उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है, वहीं यातायात पुलिस के द्वारा मॉडिफाई की गई गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मामले में यातायात एसपी सर्वेश कुमार पवार ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक सभी गाड़ियों के लिए नियम है कि किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, गाड़ी को ओरिजिनल पार्ट के साथ ही चलाना होगा। लेकिन आजकल बुलेट गाड़ी में मॉडिफाई साइलेंसर लगाने से वायु प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। वहीं गाड़ियों से मॉडिफाई साइलेंसर को उतरवाकर पुलिस लाइन में साइलेंसर्स पर रोड रोलर चलाया गया है। एसपी सर्वेश कुमार पवार ने कहा कि आगे भी यातायात पुलिस का अभियान जारी रहेगा। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कि इसमें जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी सेक्शन 54 क्लियरली कहती है कि आप किसी भी वाहन को ऑल्टर नहीं की कर सकते। जो भी शर्तें होती हैं उसकी, जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, तो कोई भी इस तरीके का मॉडिफिकेशन जो मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन में है, रेट्रो साइलेंसर भी उसी में आता है। उसी के मद्देनज़र पहले टूर में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की गई है। आज भी जो पिछले लगभग 4-5 माह से हमारे पास जो हमने कार्रवाई की थी रेट्रो साइलेंसर के लिए, उसमें हमने उन्हें डिस्टर्ब करने का काम किया है, जिससे पब्लिक में क्लियरली मैसेज दी जाए, जिसके माध्यम से जो भी लोग हैं, जो भी हमारा युवा वर्ग है, उन सब ये क्लियरली मैसेज जाए कि ये एक तो नियम विरुद्ध है, दूसरा इससे नॉइज पॉल्यूशन भी होता है, और ये उस हिसाब से जो रोड सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। उस मैसेज को देने के लिए हमने ये आज के आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी।